ये पॉपुलर नेम था, पॉपुलर सेगमेंट था, हमने सोचा कि यही नाम रख लेते हैं क्योंकि इसमें हर किस्म के मसाले आपको पता है टिकटॉक में भी होते हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट में भी हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ करम शहज़ाद। नाज़रीन, PTA ने टिकटॉक तो बंद कर दिया गया गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने पर, लेकिन टिकटॉकर परेशान ना हो, शहरी भी परेशान ना हो, अब लाहौर शहर में एक टिकटॉक रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको मज़े मज़े का फ़ास्ट फूड मिलेगा। इनका टिकटॉक जो पिज़्ज़ा वो काफ़ी मशहूर है, अफगानी कबाब इनका काफ़ी मशहूर है, तो आइए आपको दिखाती हैं टिकटॉक रेस्टोरेंट। जी नाज़रीन, टिकटॉक रेस्टोरेंट के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा टिकटॉक ही नाम क्यों रखा है? ये पॉपुलर नेम था, पॉपुलर सेगमेंट था, हमने सोचा कि यही नाम रख लेते हैं क्योंकि इसमें हर किस्म के मसाले आपको पता है टिकटॉक में भी होते हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट में भी हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। सैंडविचेज़ हैं, शवारमाज हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बारबेक्यू में बहुत सारी वैरायटी है, तो इसलिए इसका नाम ये मिक्स मसाला टिकटॉक ही हो गया, बन गया। जो टिकटॉक पिज़्ज़ा है आपका, हमने देखा ये काफ़ी उसकी सेल जा रही है, तो उसमें क्या स्पेशल आपकी अपनी रेसिपी है कि किसी के? जी, हमारे एक स्पेशल पिज़्ज़ा है टिकटॉक स्पेशल के नाम से, वो एक स्पेशल रेसिपी हमने खुद डिज़ाइन किया, उसकी सॉसेज हमने खुद बनाई हैं, तो वो काफ़ी पॉपुलर है। आज पहले दिन से ही उसकी जो है ना सेल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। इसके अलावा कौन सी आपकी ऐसी रेसिपी है जो इस इर्द गिर्द के एरिया में किसी के पास मौजूद नहीं है? ये बारबेक्यू में हमारे पास जो है वो अफगानी बोटी है, अफगानी टिक्का भी उसे कहते हैं, वो एक स्पेशल रेसिपी है, वो इस एरिया में किसी के पास नहीं है। उसके अलावा मटन चॉप्स इधर कोई भी नहीं देता। उसके अलावा तमाम ही रेसिपीज़ हमारी जो बारबेक्यू की हैं वो बहुत अच्छी हैं, और सैंडविचेज़ हमारी स्पेशलिटी है इस एरिया में, सैंडविचेज़ भी कोई नहीं देता इतनी वैरायटी जितनी हमने दी है, काफ़ी लंबी चौड़ी। उसमें टिकटॉक स्पेशल सैंडविच भी है, मार्गरीटा भी है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, तो इस एरिया के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा, साफ़ सुथरा और एक मुनासिब रेट के ऊपर बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फूड के हवाले से। अच्छा, टिकटॉक तो हुकूमत ने बैन कर दिया है, अगर टिकटॉक स्टार्स यहाँ पर आएँ तो उनके लिए कितनी रहती है, कितना डिस्काउंट है? टिकटॉक स्टार अगर कोई बहुत बड़े स्टार्स आएंगे उनको तो वैसे ही फ्री मिल जाएगा, लेकिन अगर रूटीन वाले भी आएंगे तो 15-20% डिस्काउंट तो ले ही जाएंगे। 15-20% तो वैसे नॉर्मल नॉर्मल तो ओपनिंग पे है सिर्फ, अदरवाइज नहीं है। हमने रेट्स पहले ही इतने रखे हैं कि वो डिस्काउंट का इशू ही नहीं है। वैसे कोई बड़े स्टार आए तो वैसे ही फ्री खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, टिकटॉक रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ हमारे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइएगा जो टिकटॉक आपका पिज़्ज़ा बताया जा रहा है काफ़ी लजीज भी है, मज़ेदार भी है, चेक भी करेंगे हम खा कर, तो क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें, क्या डिफरेंट है दूसरे पिज़्ज़ा से? एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 3 फ्लेवर हैं चिकन के, डिफरेंट फ्लेवर हैं, और एक स्पेशल सॉस है, टमाटो स्पेशल सॉस बनाई हुई है, ठीक है, और इसमें जो अपनी डो की रेसिपी है, पिज़्ज़ा रेसिपी है, वो अपनी इधर किसी के पास नहीं है। 3 क्रस्ट पिज़्ज़ा और ज़्यादा प्रूव डोग नहीं है, ठीक है, और ये हमारा वैसे ऊपर चीज़ी है, तो काफ़ी चीज़ी है, लोडेड पिज़्ज़ा है ये, ठीक है। स्पेशल वेजीज़ वगैरह हैं, एलापिनोज हैं, ब्लैक ओलिव है, ठीक है, स्वीट कॉर्न वगैरह हैं, मशरूम है, इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। आपके कहने पे उन्होंने ये रेसिपी लेके आए हैं कि ये शॉप वालों के कहने पे आपने सीखी है कि आपको पहले से आती है? नहीं नहीं, ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये मैंने खुद इनका रेसिपी बनाई है, ये मेरी खुद की रेसिपी है, ये इनको मैंने इंक्रीज़ की।